हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ अमित त्रिपाठी, योर टीजीटी पीजीटी ट्रेनर ऑफ केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, ये वर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके लिए, बिकॉज आज मैं आपका शिक्षक हूं, कल आप भी शिक्षक होने वाले हैं, ये मेरे दिल से शुभकामनाएं हैं। तो फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंड्स इसलिए भी कि मुझे अपने दोस्तों की बात बहुत अच्छे समझ में आती है, इसलिए भी कि मैं अपनी क्वेरीज अपने दोस्तों से बहुत अच्छे तरीके से पूछ लिया करता हूं। तो हमारे और आपके बीच में इंट्रैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए फ्रेंडशिप की बहुत ही आवश्यकता है, और ये फ्रेंडशिप हम लोग कोर्स के दौरान ऐसा मेंटेन रखना है कि ना मुझे आपको सिखाने में कोई दिक्कत हो और ना आपको कुछ समझने में दिक्कत हो, है ना। टीजीटी और पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस हम लिंक में आपको देंगे, और जिस टॉपिक को जिस दिन डिस्कशन करेंगे, सिलेबस की बात उस टॉपिक के लिए उसी समय करेंगे। आप जानते हो कि पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस में बहुत सारा केमिस्ट्री को लेकर के डिफरेंसेस हैं। पीजीटी का बहुत ही अच्छा सिलेबस होता है, टीजीटी का बहुत कम और आसानी से तैयार किया जाने वाला सिलेबस है। पिछले 20 सालों में जो हमने केमिस्ट्री पढ़ाने का एक अपना अनुभव लिया है, और ईश्वर की कृपा ऐसी रही है, बच्चों की मेहनत ऐसी रही है कि जिस एग्जाम की भी हमने प्रिपरेशन कराया, उसमें बच्चों ने केमिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर किया है। और यही मैं उम्मीद आप सब लोगों से भी करने जा रहा हूं कि आप केमिस्ट्री में आपका स्कोर मैक्सिमम हो। स्कोर केमिस्ट्री में मैक्सिमम होगा एक्यूरेसी आपकी अच्छी होने की वजह से, स्कोर मैक्सिमम होगा आपका अच्छा टाइम मैनेजमेंट की वजह से। अच्छी एक्यूरेसी और अच्छा टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप? सिलेबस को पढ़ने का जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको छोड़ के स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, और लेक्चर के दौरान आपको समझ आएगा कि वो स्मार्ट तरीका है क्या। अभी जो इस 21 में जो पेपर हुआ है टीजीटी का, उस पेपर के पैटर्न को देखिए तो पहले वाले पैटर्न से काफी अलग है। क्वेश्चन बहुत स्मार्टली पूछे जा रहे हैं। किसी भी टॉपिक में अगर मैं बात करूं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, इसके चैप्टर की बात करूं तो हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, एटमिक साइज, परमाणु की त्रिज्या, आयतन, साइज, हर चीज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, सब पे क्वेश्चन पूछे गए। तो हमें ऐसा पढ़ना है, पढ़ने का अप्रोच इतना ग्राफिकल करना है, जहां थ्योरी आती है वहां इतना ग्राफिकल अप्रोच करना है कि चीजें हमें याद बहुत दिनों तक ना करनी पड़े। हम लोग जानते हैं कि ग्राफिकल अप्रोच, जब किसी चीज का ग्राफ बन जाता है तो वो पिक्चर कोई चीज की होती है तो बहुत दिनों तक याद रहता है, और वर्ड्स जो होते हैं दिमाग से निकलता रहता है, स्केप करता रहता है, लेकिन पिक्चर्स बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। दैट्स वाई जहां जहां जरूरत होगी हम लोग ग्राफिकल अप्रोच बनाएंगे, जैसे एटमिक साइज लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम आने पर एक्सेप्शन के साथ कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, आनेसन एनर्जी कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब कैसे लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है घट रहा है, ये अगर हम ग्राफिकली पढ़ लें तो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ना तो कभी भूलेगा और ना कोई नया ऐसा सवाल बन पाएगा जो आपसे गलती हो जाए, और अलग से आपको एक्सेप्शंस नहीं याद करने पड़ेंगे, ग्राफ से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, अगर आप लोगों में से किसी ने इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये ग्राफ आपको याद आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये ग्राफ अगर आपको याद आ रहा हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम अक्रॉस अ पीरियड चलते हैं लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक, तो लिथियम से बेरिलियम में गए तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करेंगे और मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अगर ये ग्राफ आपको ऐसा कुछ ऐसे पता हो, ये ग्राफ आपको पता हो, तो मेरे ख्याल से सारे एक्सेप्शन इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये जो पहाड़ की तरह का, उल्टा पहाड़ की तरह का ग्राफ है, वो क्या होगा, वो एक बार दिमाग में सेट हो गया तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
तो पढ़ने का जो अपना ट्रेडिशनल तरीका है, द्रव्य, ठोस, गैस की परिभाषा और उसमें अंतर, उसको बदलना होगा, क्योंकि टीजीटी का जो पेपर है उसका पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। आप सिलेबस में देखें, केमिकल बॉन्डिंग में उन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को रखा है, लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षकों के सिद्धांत से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। मैं चैप्टर में जब जब टॉपिक के एनालिसिस करूंगा तो हर क्वेश्चन के साथ आपसे बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन वहां पर लिखा है और कौन सा क्वेश्चन सिलेबस में ना लिखने के बावजूद भी आया है, और मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के पूछे गए हैं वो उसी के दौरान डिस्कशन करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम निकालने वाले उन बच्चों के लिए जिन्होंने ठान ली है कि एग्जाम निकालना है, आप क्या पढ़ें इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप क्या नहीं पढ़ें। क्योंकि जब ऐसी चीजें जिसको एग्जाम में नहीं पूछा जाना है, सिलेबस में लिखा पढ़े जा रहे हैं, जिस पर क्वेश्चन अच्छे नहीं बनने, अगर आप उसको पढ़े जा रहे हैं केवल, तो कहीं ना कहीं आपका वो टाइम वेस्ट करता है। वो टाइम किसी और सब्जेक्ट को देके आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते थे। और मैं यहां पे 100% मार्क्स केमिस्ट्री में दिलाने के टारगेट से क्लास स्टार्ट किया हूं, तो एक बात आप बिल्कुल समझिए कि मैं जितना भी कुछ आपको पढ़ाऊंगा वो सब के सब क्लास में ही मैं याद करा दूंगा। जिस चैप्टर को पढ़ाऊंगा पहले उसका सिलेबस डिस्कशन होगा, और इसके बाद मैं क्लास में ही वो पूरा का पूरा टॉपिक आपको याद करा दूंगा। जैसा कि अभी हम लोग क्लास में स्टार्ट करने से पहले एक बातचीत कर रहे थे कि हमें अपना पढ़ाने का पढ़ने का जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको छोड़ के स्मार्ट टेक्निक को डेवलप करना होगा, ताकि चीजें कम भूलें, बेसिक से कोई क्वेश्चन बने तो भी आप कर ले जाएं, एडवांस लेवल पे क्वेश्चन जाए तो उसको भी कर ले जाएं। खास करके हमारे पीजीटी वाले भाइयों, आपका जो करिकुलम इतना बेहतरीन, इतना कॉन्सेप्चुअल रखा गया है कि पूरा केमिस्ट्री का करिकुलम आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ के और आगे चल के आपको टीचर बनना है। केवल ट्रिक से क्वेश्चंस लगाना ही नहीं सीखना, ट्रिक तो सीखना है टाइम बचाने के लिए, खुद का एग्जाम निकालने के लिए, लेकिन उसके बाद आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है इतना कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग रहें कि वहां पर जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएं तो आपको लगे कि हाँ, हमने जो तैयारी के दौरान जो केमिस्ट्री पढ़ी थी वो मैं अब किसी भी लेवल पे कोई हमसे पूछ ले रहा है, बातचीत कर रहा है, तो मैं आराम से उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, या हमें बच्चों को ये नहीं बोलना पड़ रहा है कि किसी अगले टर्न पे हम इसको डिस्कशन करेंगे, है ना, ऐसा नहीं बोलना पड़ा, हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है। तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है, टाइम सेविंग टेक्निक भी समझना है, ट्रेडिशनल तरीके को खत्म करके नए तरीके से पढ़ना है, और एक्यूरेसी बढ़ानी है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम हो। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करते समय कैलकुलेशन को करने का ऐसा अप्रोच डेवलप करना है कि कम से कम टाइम में हम कैलकुलेशन करके वहां तक पहुंच जाए। स्कूल में एक बोर्ड लेवल मेथड होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का अलग मेथड होता है, तो हर क्वेश्चन में दोनों ही अप्रोच डेवलप करना है, ताकि आप अगर आगे पढ़ाएं तो बच्चों को यह समझा पाए कि अगर बोर्ड लेवल मेथड होगा तो कैसे होगा, स्कूल लेवल में कैसे डिस्कशन करेंगे, और हम शॉर्टकट टेक्निक भी कैसे जान जाएं, उस दोनों पे काम करना है। आज एपिसोड 1 में मैं आपसे कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करूंगा, केमिस्ट्री की मूल अवधारणा पे बातचीत होगी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज पे बात होगी, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण एवं उनके गुणों के बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग, और मैं साइंस का टीचर हूं तो हिंदी साहित्य की बातें बहुत ज़्यादा करने हमें नहीं आता, हम टू द पॉइंट सब्जेक्ट पे बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एटमिक नंबर, मतलब कुछ परमाणु संख्या अगर यहाँ पे दे दिए जाएं, और उन परमाणु संख्या वाले एलिमेंट तत्वों का पीरियोडिक टेबल में पीरियड पूछा जाए, आवर्त पूछा जाए कि किस पीरियड के हैं, किस आवर्त के हैं, उन एलिमेंट्स का, उन तत्वों का वर्ग पूछा जाए, समूह जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, ग्रुप, है ना, ग्रुप पूछा जाए, उनका ब्लॉक पूछा जाए, इस पीडीएफ में से कौन सा ब्लॉक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कहां पे करना और कहां पे नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे टेबल में बहुत सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है, तो अगर आपको सारे एक्सेप्शन याद नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन करने पर
बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत होते हैं और वो भी हम सामने आज के दिन डिस्कशन करेंगे। तो आज हम आपको सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण और गुणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैं कुछ एटमिक नंबर, परमाणु संख्या आपके सामने रख रहा हूं भाई, जैसे एटमिक नंबर 30, एटमिक नंबर 40, 50, 60, 70, 80, इन एलिमेंट्स का पीरियड क्या होगा, पीरियड मतलब आवर्त क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इन एलिमेंट्स का पीरियड क्या होगा, इन एलिमेंट का आवर्त क्या होगा, आपको करना है तो आप कैसे करते हो? एक तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, 1s2 2s2, है ना, टाइम बर्बाद करो। और एक तरीका यह है कि हम इसको बड़े आसानी से, है ना, हर पीरियड के इनर्ट गैस को याद कर लें, ये पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, है ना। पहले पीरियड का जो इनर्ट गैस है वो है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। और अब सातवें पीरियड में जो इनर्ट गैस है उसका नाम है आईपीएसी कन्वेंशन से अन अन ऑक्टियम, UUO। अगर एटमिक नंबर की हम बात करें तो हीलियम का एटमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 और इसका एटमिक नंबर आ जाएगा 118। आप लोग बस 86 तक याद करिए, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ओके। पहला पीरियड 2 पे खत्म हुआ, मतलब 1 से शुरू हुआ होगा, तो 1 से लेकर के 2 तक के एलिमेंट पहले पीरियड में जाएंगे, 2 के बाद 3 से दूसरा पीरियड शुरू हो जाएगा और 10 तक दूसरा पीरियड जाएगा। यानी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 3 से 10 के बीच में है तो सेकेंड पीरियड का होगा, ऐसे ही अगर 11 से 18 के बीच में है थर्ड का होगा, 18 पे खत्म हो गया ये, 19 से लेकर 36 तक होगा तो फोर्थ में जाएगा, और ऐसे ही 37 से लेकर 54 तक होगा तो फिफ्थ में जाएगा, और ऐसे ही 55 से लेकर 86 तक होगा तो सिक्स्थ में जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर 30 का पीरियड बताना है, तो हमें बताया 30 कहां है भाई? भाई पहला पीरियड 2 पे खत्म, दूसरा 10 पे खत्म, तीसरा 18 पे खत्म, तो 18 के बाद 19 से शुरू होता है चौथा और 36 पे जाके खत्म होता है, तो 19 से 36 के बीच में ही तो ये 30 नंबर आ रहा है, यानी इसका पीरियड कौन सा होगा? फोर्थ। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 40। 36 के बाद से 54 तक, 36 के बाद से 36 से, है ना, 54 तक पांचवा पीरियड होता है, 37 से शुरू होगा और 54 तक जाएगा, तो इसका पीरियड क्या हो गया? फिफ्थ। 50, 50 कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या है 50, तो भाई 50 तो 54 तक ही होगा ना, है ना, 36 में खत्म हो गया चौथा पीरियड, तो 37 से शुरू हो रहा है और 54 तक जा रहा है, इसका मतलब 50 इसी के बीच में होगा ना, 37 54 के बीच में, तो ये पांचवा पीरियड हो गया। 54 के बाद छठवां पीरियड शुरू होगा और 86 तक जाएगा, तो ये भी छठवें में होगा, ये भी छठवें में होगा, ये भी छठवें में होगा, क्योंकि छठवां 86 पे जाके खत्म होता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब इन्हीं क्वेश्चन को ओरली करना है, कोई भी नंबर कोई दे दे तो अब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 25, 2 पे पहला खत्म, 10 पे दूसरा खत्म, 18 पे तीसरा खत्म, 18 के बाद 36 तक चौथा होता है, 25 चौथे पीरियड का होगा। 45, आप हमसे दूर बैठे हैं लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ अपने आंसर्स बोल सकते हैं, शिक्षक को अपने विद्यार्थी की आवाज सुनाई पड़ जाती है, इतना ज्यादा शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए सेंसिटिव होता है। जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा। ऑनलाइन क्लास आप कर रहे हो बड़े दूर से बैठ के, लाइव चैट हमारा ऑन नहीं है, लेकिन आप अपने जवाब मेरे को दीजिए, जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो फटाफट जवाब दीजिए, और जैसे ही आपका जवाब मेरे जवाब से मैच करेगा, सही होगा, मां शारदा का आशीर्वाद मिलेगा, बहुत खुशी होगी आपको, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, और ऐसे ही इंजॉय करते हुए पूरी पढ़ाई हम कर लेंगे। खास बात मैं आपको बोलूं, जब आप तैयारी करते हैं टीजीटी और पीजीटी की, प्रिपरेशन कर रहे हैं,
किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको हैप्पी रहना बहुत जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है। जब आप कोई चीज खुश होकर पढ़ते हैं तो क्या होता है, चीजें बहुत दिन तक दिमाग में रहती हैं और ये सब बर्डन नहीं होता, दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आती, एग्जाम में नहीं होने का डर खत्म हो जाता है, फेल्योर क्या चीज होती है वो दिमाग में नहीं रहती। इसलिए आपको हैप्पी होकर के क्वेश्चन सॉल्व करने, और हैप्पी कब होंगे आप, जैसे ही सर बता रहे हैं है ना, वैसे ही अगर वही आंसर आप दोहराते हैं मन में ही मन ही मन और सेम आंसर निकल के आता है तो आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी कि मैं पढ़ते जा रहा हूं और सीखते जा रहा हूं। तो आइए एक बार मैं जो नंबर बोल रहा हूं उन नंबर्स का आंसर हम ओरली देते हैं, बिल्कुल पेन चलाए हुए, बिना पेन चलाए हुए। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देने पर पीरियड बताना है, फिर ब्लॉक बताना है, फिर ग्रुप बताना है। अभी पीरियड पे बातचीत कर रहे हैं, आज हम इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपको, ताकि आज के बाद पीरियोडिक टेबल को लेकर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां से लेक्चर की शुरुआत करनी है, उस टॉपिक में आपको कोई तकलीफ ना हो। तो अब जो एटॉमिक नंबर हम आपको दे रहे हैं, वो एटॉमिक नंबर्स में क्या क्या आने वाले हैं, उन एटॉमिक नंबर में अभी 25 मैंने बोला था, आंसर भी हम लोगों ने करा है। अब मैं अगर 45 की बात कर लो, हाँ फटाफट आंसर सोचें आप, 45 का पीरियड क्या होगा? ऑफ कोर्स आप लोग सोचे होंगे 36 के बाद पांचवा पीरियड शुरू हो जाता है, तो यानी ये पांचवें पीरियड का होगा। 55 का अगर कोई पूछे तो क्या सोचेंगे आप? 54 तक छठवां पांचवा पीरियड होता है, तो 55 का छठवां पीरियड आएगा। 75 का अगर कोई पीरियड पूछे तो आपको पता है कि छठवां पीरियड 86 तक होता है, तो 75 तो छठवें में ही होगा। अगर कोई आपसे 95 का पूछे तो 86 पे छठवां खत्म हो जाता है, तो 95 है ना, कहां जाएगा ये, सातवें में जाएगा। इस तरह से आप भी मेरे साथ ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर 95 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो ज्यादा समय लगता, और इन मैजिकल नंबर को 2, 10, 18, 36, 54, 86 का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस थोड़ा सोच रहे हैं यहां से यहां तक ये पीरियड, यहां से यहां तक ये पीरियड, और खड़ा-खड़ आंसर हम लोग का सॉल्व होते जा रहा है। अब ये तो बात थी किसी एलिमेंट का, हम आपको लेक्चर के लास्ट तक ये समझा के जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करने से हम क्यों मना कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन करते हैं तो कहां पे सवाल में गलती होगी, ये आपको हम बता के जाएंगे। उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को, उन मित्रों को मैं पहले आगाह कर दूं कि अगर आज तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पीरियोडिक टेबल के इन सब क्वेश्चंस को यूज करते थे, तो थोड़ा सा रोक दीजिए उसको, जहां जरूरत होगी वहां करेंगे, जहां जरूरत नहीं वहां बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर से 5 क्वेश्चन 21 के पेपर में पूछा गया प्रॉपर्टीज को लेकर। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे भी क्वेश्चन था, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में भी क्वेश्चन था, आयनिक रेडियस में भी क्वेश्चन था, मतलब जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं और जो भी क्लासिफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब पे क्वेश्चन बने थे। मेटलिक नेचर किसका ज्यादा, यह भी एक सवाल था। आप सबके पास 21 का पेपर होना चाहिए। मैं आपको पूरा प्रॉब्लम शीट के माध्यम से, थ्योरी नोट्स के माध्यम से, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट के माध्यम से एग्जामिनेशन को क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, वो आपको मैं रूबरू कराता चलूंगा, प्रिपरेशन कराता चलूंगा। आज हम लोग सीखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, पीरियोडिक टेबल में अगर कोई एलिमेंट दिया है, उसका एटॉमिक नंबर दिया है, तो उन एलिमेंट का पीरियड निकालना हमें आ गया, कैसे हम उसका ब्लॉक निकाल लें, कैसे उसका हम लोग ग्रुप निकाल लें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होंगे इस क्लास में जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और केमिस्ट्री उनके लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहा होगा। मैं आज पहली क्लास में आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आप रेगुलरली टारगेट विद आलोका के इस क्लास को रेगुलरली कर रहे हैं, 1.5 से 2 घंटा आप केमिस्ट्री को दे रहे हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं केमिस्ट्री में आप फुल मार्क्स पाएंगे या उसके करीब होंगे। और यह बात केवल बोलने वाली नहीं है, 4 से 5 डेमो क्लास करने के बाद उस टॉपिक के आए हुए क्वेश्चन जहां के भी हों, चाहे प्रवक्ता परीक्षा के हों, चाहे GIC के हों, चाहे PGT के हों, चाहे TGT के हों, इन सब एग्जामिनेशन को जो इससे कोरिलेटेड है, जिनका सिलेबस में डिस्कस करूंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे,
तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा पढ़ने के बाद सारे तरह के सवाल हम फटाफट लगा ले रहे हैं या हमें बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है। शिक्षक का काम तो यह है ना, आपको शिक्षक बनना है तो शिक्षक का काम यह है कि जो चीजें जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स है, उसको आसान बनाएं। हम लोग यहां इस चैनल पे केमिस्ट्री जैसे वास्ट सब्जेक्ट को, हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान कैसे बनाएं उसकी टेक्निक सीखने जा रहे हैं, और ये आज हम लोग पहले लेक्चर से ही शुरुआत कर देना है, और जैसी शुरुआत फर्स्ट लेक्चर में होगी उसी के साथ एंड भी करना है। मैं पर डे टीजीटी के लेक्चर भी दूंगा और पीजीटी के भी लेक्चर दूंगा, क्योंकि पीजीटी के लेक्चर में बने जाने वाले सवाल का प्रारूप, कॉन्सेप्ट और लेवल में बहुत अंतर है। तो हम एक लेक्चर आपको पीजीटी का भी देंगे और एक लेक्चर टीजीटी का भी देंगे। हम चाहते हैं कि बेहतरीन अनुभव हो तैयारी करने में, आपको ये लगे कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बड़ा ही आनंदमय है, इंजॉयफुल तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपने जब जब बड़ा इंजॉयफुल तरीके से तैयारी की होगी अपने लाइफ में जब भी, तो हमेशा आपने अच्छा नंबर गेन किया होगा, नेचुरली अच्छा नंबर गेन होता है। और जब जब आपने बड़े प्रेशर में पढ़ाई करी होगी तो हमेशा जितना आपको आना चाहिए, जितने मार्क्स मिलने चाहिए, उससे कुछ कम नंबर ही मिले होंगे। तो दैट्स वाई ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को हमें इंजॉय करना है। आज पहले लेक्चर में हम कोशिश करते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ने वाली जो बातें हैं वो आपके सामने आ जाए। अगर 21 का पेपर आपने देखा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट पे भी क्वेश्चन पूछना है उनको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर भी क्वेश्चन पूछना है। टॉपिक को इतना बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं कि आपको भी उसी मोड में आके कवर करना होगा। तैयारी करने वाले मेरे दोस्तों से विशेष अनुरोध है मेरा कि जो लेंदी तरीका है उसको छोड़ के टेक्निकल तरीके को अपनाना है, जैसा कि एक टेक्निक आपने आसानी से सीखा है। लेंदी तरीका तो सामने आएगा ही अभी, है ना, तो हमें समझ में आएगा कि यार तो बड़ा अच्छा है। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं इनके लिए ब्लॉक और ग्रुप निकालने के लिए। हम सभी अपने मित्रों से जरूर बोलेंगे कि आप लोग पीरियोडिक टेबल अपने दिमाग में रखिए, आंखों के सामने आपको आपका टेबल दिखता रहे। और ये सब हम लोग बच्चों को याद कराने के दौरान अपने लिए पढ़ते हैं तो कुछ कहानी वानी स्टोरी बना के याद कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल अगर हमेशा विजुलाइज होता है, देखने की जरूरत ना पड़े, हमेशा विजुलाइज होता है, तो आप 21 का पेपर देख लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप टेबल विजुलाइज है तो फटाफट कर ले जा रहे हैं। मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये अपना टेबल है, पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। एकदम बेसिक से पढ़ाना है मेरे को और उस लेवल पे ले जाना है जिसके बाद सवाल नहीं बनता, तो इसलिए मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, मैं एकदम बेसिक शुरुआत कर रहा हूं, है ना। ये अपना एस ब्लॉक हो गया कंप्लीट। अब यहां से स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, वैनेडियम, नियोबियम, टैंटलम, डोविनम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, सिबॉर्जियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेहेनियम, बोरियम, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, हैसियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मिटर्नियम, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी,
बिस्मत, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल अपने दिमाग में रखा है। और आप में से जिस भाई को, बहन को, दोस्त को टेबल याद करने में कोई असुविधा होगी, उसका एक अलग से बेसिक लेक्चर में डाल दूंगा। मैंने बोला है, आपसे कमिटमेंट किया है कि बातें एकदम शुरुआत से होंगी और वहां तक जाएंगी जिसके बाद अब कोई सवाल नहीं बनेगा आपके एग्जाम में, तो वो कमिटमेंट में फुलफिल करूंगा। अभी ये जो टेबल आपको दिख रहा है यहां पर, ये है एस ब्लॉक, ये है एस ब्लॉक, और ये है डी ब्लॉक, और ये है पी ब्लॉक, है ना। ये एस, डी और पी ब्लॉक है। अब अगर हम लोग एस और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर मेटल्स। इस साल 2021 का क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। मेटल का मतलब धातु, और धातुओं का मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता हो, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी हो। तो ये सब विद्युत धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनमें अगर आप ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और नीचे है स्टैटिन, स्टैटिन को याद रखिएगा, स्टैटिन मतलब मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म भी है, अमित त्रिपाठी, इसको शॉर्ट में करेंगे तो स्टैटिन हो जाएगा। अब इसको याद इसलिए रखिएगा कि अमित त्रिपाठी सर के साथ एक कदम आगे, ऊपर आगे, ऊपर आगे, ऊपर आगे जाने पर ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, मेटलॉइड्स, उपधातु हैं। एल्यूमिनियम मेटल है, 10th में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज आती है कंपाउंड बनाने के बाद, जैसे उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, जैसे हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। मेटलिक नेचर एल्यूमिनियम में ज्यादा है, नॉन मेटलिक बहुत ही कम है। लेकिन अब थोड़ा भी अगर नॉन मेटलिक नेचर है तो मेटलॉइड का कैरेक्टर उसमें आ जाएगा, उपधातु का कैरेक्टर आ जाएगा। अब आ गया टीजीटी के एग्जाम में, अगर एक क्वेश्चन आता है कि सर हम क्या लगाएं, तो भाई मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है लगा दो, मेटलिक है ना, जो कैरेक्टर ज्यादा वो लगा दो। लेकिन याद रखो कि अमित त्रिपाठी सर के साथ एक कदम आगे, ऊपर आगे, ऊपर आगे, ऊपर जाने पर ये सब क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं, उपधातु हैं। इधर वाले सभी नॉन मेटल्स हैं और इधर वाले सभी मेटल्स हैं। 2021 का क्वेश्चन सॉल्व, इधर वाले सभी नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, ये वैद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और इधर वाले सभी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वैद्युत धनात्मक है, ये सभी मेटल्स हैं। और ये जिन एलिमेंट्स के ऊपर ये मेरे रेड पेन चला हुआ है वो क्या है, ये मेटलॉइड्स है। एल्युमिनियम में मेटलिक नेचर बहुत ज्यादा है, नॉन मेटलिक नेचर बहुत कम है। अब हम लोग अगर जो एटॉमिक नंबर दिया है, अगर उसमें हम बात करें कि भाई उसका ब्लॉक क्या होगा, कोई नंबर दिया है, तो पहले हर ब्लॉक में कहां से कहां तक नंबर जाता है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इस पर बातचीत करते हैं, किस ब्लॉक में कहां से कहां तक जाता है, उसके बाद हम लोग इस पर काम करते हैं। ये यहां पर हम आपको एटमिक नंबर दिखाएं, तो ये 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये हमारा है ना, ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए जूम कर दिया ताकि आपको प्रॉपर दिखाई पड़ जाए, विजिबिलिटी ठीक ठीक है। तो अगर ये विजिबिलिटी ठीक ठीक है तो आप ध्यान दीजिए, लॉजिक एक इस्तेमाल करना है, कोई भी एलिमेंट का ब्लॉक पूछा जाएगा आप ओरली बता सकते हैं, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो करना ही नहीं है। देखिए ये हम लोग ट्रेन जब पकड़ने जाते हैं तो ट्रेन में हमारा जो कोच हुआ करता है, विजिबल है ना, ट्रेन में जो हमारा कोच हुआ करता है
है ना, जैसे आप जिस कोच में भी रिजर्वेशन कराएं उसमें आपको एक डोर आगे होता है और एक डोर ऐसे पीछे होता है, और इस तरह से बीच में कई सारे विंडो होते हैं मेरे भाई, और विंडो पे नंबर लिखा रहता है कि 1 से 15 तक यहां बैठना है ना, 16 से लेकर के 31 तक यहां है, और 31 से लेकर 45 तक यहां है। अब आपका अगर बर्थ नंबर है 41 तो आपको किस दरवाजे से जाना चाहिए? इस दरवाजे से। और अगर आप इस दरवाजे से जाते हैं तो क्या होगा? आप पहुंच तो जाएंगे यहां पे, खुद भी परेशान होंगे और बाकी लोगों को भी परेशान करेंगे। तो लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है? लॉ ऑफ नेचर कहता है कि आपका अगर बर्थ यहां तो यहां से जाए, अगर आप इधर से जाते हैं तो पहुंचेंगे वहीं पे, तरीका गलत होगा। तो आपको करना क्या है, इसी बात को, इसी लॉजिक को यहां इस्तेमाल करके और ब्लॉक वाले क्वेश्चंस को लगा लेना है। ये लॉजिक क्या है भाई? देखिए एटॉमिक नंबर यहां पे 2 लिखा है, हमारे दिमाग में आ गया कि 1 एस ब्लॉक में होगा, 2 इनर्ट गैस हीलियम में, वो चला गया पी ब्लॉक में, ये हम लोग के दिमाग में आ गया। अब 3 से शुरू हो रहा है एस ब्लॉक, ध्यान दीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस वाला लॉजिक बनाना है। 3 से शुरू हो रहा है, 3 से है ना, तो 3 और 4 इस ब्लॉक में गया और 10 पे खत्म हो रहा है, तो 10 पे कैसे खत्म होगा? पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, तो भाई 5 से शुरू होगा तभी ना 10 पे जाकर खत्म होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाई 6 ग्रुप है ना। तो याद रखिए कि अगर इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर याद है तो इनर्ट गैस के 6 पहले वाले पी ब्लॉक में, इनर्ट गैस के जस्ट एक आगे एस ब्लॉक में, और जस्ट एक आगे एस ब्लॉक में, उसके बाद डी ब्लॉक में, फिर ए ब्लॉक भी अभी आपको हम याद कराने जा रहे हैं, ए ब्लॉक की भी बातचीत करेंगे क्योंकि ए ब्लॉक पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डी एंड ए ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अपने सिलेबस में है तो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और पीजीटी में तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं, लेंथ एनोवॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोवॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बने हैं, तो अभी हम लोग ए ब्लॉक भी थोड़ी देर में याद करते हैं और उसको भी थोड़ा यहां यूज करेंगे, है ना। यहां आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा याद ही कर ले पहले ए ब्लॉक, तो आइए पहले आपको याद ही करा दें, पहले याद करा दें तभी इस काम को करें हम लोग ना, तो अपने कोच में जाके बैठे कैसे सही बैठना है, कैसे गलत बैठना है ना, यहां पे बातचीत करें। ए ब्लॉक जो है हमारा लेंथनम के आगे एक सीरीज शुरू होती है, उसको लेंथ एनोवॉइड सीरीज कहते हैं। तो ये भी एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि लेंथनम खुद तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेंथनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और लेंथनम के आगे से लेंथ एनोवॉइड सीरीज शुरू होती है जो कि ए ब्लॉक का एलिमेंट है, मतलब ए ब्लॉक का एलिमेंट लेंथनम नहीं है, लेंथनम के आगे से ए ब्लॉक शुरू होता है, ठीक है जी। और वो क्या शुरू होता है? ये है सीरियम, प्रेसोडीमियम, नियोडीमियम, हाँ जी, जिन भाइयों को, मेरे दोस्तों को ए ब्लॉक नहीं याद होगा मेरे साथ याद कर लेना, अभी अभी याद करना चाहो अभी याद करा दें। ये सीरियम, प्रेसोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेदमियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसमियम, हॉलमियम, एरबियम, थूलियम, वाइटरबियम, लुटेसियम, ऐसे तो याद होगा नहीं, बोरिंग सा है ना, तो इसको इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। एक कवि की कविता है, सुन लेते हैं। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, सीने पर नदिया प्रेम की समाई। देखिए प्रिपरेशन करने वाला बच्चा हाईएस्ट स्कोर पे ध्यान देता है, जहां कॉन्सेप्ट है वहां कॉन्सेप्ट समझेगा, जहां याद करना है उसको कैसे रटे उसकी टेक्निक डेवलप करेगा, जहां कैलकुलेशन है वहां कैलकुलेशन में एक्यूरेसी लाने की कोशिश करेगा, यह ज्यादा स्कोर करने का टेक्निक है। एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं पढ़ते रहेगा, हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे याद नहीं करेंगे, हम रट जाएंगे कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे, ऐसा करके आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई आज यहां बात रटने की है तो कहानी सुनकर याद कर लेते हैं, जहां कॉन्सेप्ट की बात आएगी लॉजिक बना लेंगे, जैसा सब्जेक्ट में मोड आता चलेगा वैसे वैसे अपने आप को ढालते रहेंगे और तब हम लोग चैप्टर को एंजॉय करेंगे और तब मजा आएगा। आइए मेरे साथ याद कर लीजिए, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, सीने पर नदिया प्रेम की समाई,
यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। कविता है ना, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब। याद कर लिया हम लोगों ने, सीरियम, प्रेसोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेदमियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलनियम, गैडोलनियम पे सवाल आजकल बन रहे हैं खूब अच्छे, है ना, टर्बियम, डिस्प्रोसमियम, हॉलमियम, एरबियम, थूलियम, वाटरबियम एंड लुटेशियम ना। अब नीचे वाला याद करते हैं, ये थोरियम है, ये प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटेनियम, अमेरिसियम या अमेरिका में पढ़ते हैं, ये मैडम क्यूरी के नाम पे है, क्यूरियम है ना, बार्केल यूनिट होता है बार्केलियम, कैलिफोर्निया के नाम पे कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइन साहब के नाम पे आइंस्टीनियम, फर्मी के नाम पे फर्मियम, फादर ऑफ जेनेटिक्स एक बार क्वेश्चन था टीजीटी का मैंने देखा था, मेंडेलवियम, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेलवियम, और ये लॉरेंसियम है ना। तो ये इनको भी याद कर लेते हैं। एक कवि है, श्रृंगार रस का कवि है, और वो कविता बनाता है कि तांगे पर यूं नजर पड़ी, कवि की तांगे पे किसी की नजर पड़ गई, तांगे पर यूं नजर पड़ी पूरा आसमां सिमटा, जैसे बोलते ना मन में लड्डू फूटा है ना, तो मन में लड्डू नहीं फूटा, उसका आसमान सिमटने लगा मन में, तांगे पर यूं नजर पड़ी, यूं नजर पड़ी पूरा आसमां सिमटा, बिजली चमकी, कवि के मन में बिजली चमकने लगा, और अचानक से तांगा गायब हो गया, तांगे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसको देख के कवि का मन अच्छा हो रहा था, तो कवि दुखी होकर कहता है, एहसान फरामोश मदहोश, एहसान फरामोश मदहोश, कवि मेल है या फीमेल है उसके अनुसार कहेगा, निकली लड़की या निकला लड़का, है ना, कवि का डिपेंड करता है कैसा है। तो तांगे पर यूं नजर पड़ी पूरा आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश मदहोश, निकली लड़की या लड़का। टेबल याद करना, रिएक्शन से याद करना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना, एक्टिविटी सीरीज याद करना, ये सब बहुत आसान सा हंसी मजाक का खेल है ना। मेन हमें कॉन्सेप्ट पे ले चलना है, तो जहां याद करने वाली बातें हैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, हर रिएक्शन में याद करा दूंगा आपको अपने टेक्निक से, अपने टेक्नोलॉजी से, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ने जा रहे थे उस पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पढ़ने जा रहे थे कोई भी एटमिक नंबर सर ने दिया है, और आपको बताना है कि पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक का वो होगा, SPDA ब्लॉक में से क्या आएगा विदाउट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैं उसी के साथ आपको बताऊंगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करते हो तो देखो, अगर आपको एक्सेप्शन नहीं पता है तो इस क्वेश्चन के जवाब में कितनी गलतियां हो सकती हैं आपसे। तो ये देखो, 10 पे खत्म हुआ सेकेंड पीरियड, और 10 पे खत्म होने के बाद 11 से शुरू होगा, ये 11 से शुरू होगा और 18 तक जाएगा, भाई 10 के बाद 11 12 23 ब्लॉक का हो गया, और 13 से 18 तक पी ब्लॉक में जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है, 10 के बाद 11 12 इस ब्लॉक में जाएगा, इसमें दो ग्रुप होते हैं है ना, और 13 से 18 तक पी ब्लॉक जाएगा, क्योंकि अभी डी ब्लॉक शुरू नहीं हुआ है ना, डी 21 से शुरू होता है, तो 21 से पहले अगर कोई एटमिक नंबर दिया जाए तो डी नहीं होगा है ना। एक सवाल ऐसा ही पूछा गया था कि इसमें कौन सा, 21 के पेपर में था, इसमें कौन सा सही नहीं है, 2p 2s है ना, 4d ऐसे कुछ था ऑप्शन है ना, 3f, तो उसमें से आंसर 3f हो सकता है, क्योंकि चौथे पीरियड से शुरू होता है, तो इसका मतलब चौथे पीरियड से नहीं, चौथे शेल से है ना। तो खैर, अब यहां पे जो बात कर रहे हैं, ये 10 पे खत्म हुआ, 11 शुरू होकर 18 पे खत्म हो रहा है, और 18 के बाद ये 19 से शुरू हो रहा है, और ये कहां जा रहा है, 36 पे जाके खत्म हो रहा है, 19 शुरू हो रहा है, 36 पे जाके खत्म हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 19 और 20 तो इस ब्लॉक का है, 21 से 23 10 ग्रुप होते हैं डी में, तो 21 से 23 डी ब्लॉक का हुआ, और 31 से लेके 36 तक पी ब्लॉक का हुआ। अब अगर मान लो इसी बीच हमने कोई क्वेश्चन दे दिया और अब ब्लॉक आपसे पूछ लिया, जैसे मैंने आपको दे दिया कि भाई 14 का ब्लॉक क्या है, 24 का ब्लॉक क्या है, 36 का ब्लॉक क्या है, तो कैसे सोचेंगे आप? ऐसे सोचेंगे कि 14 2 10 18 36 54 86 मैजिकल नंबर, आप ऐसे सोचेंगे कि 10 के बाद 4 जोड़ने पे 14 आता है, तो 10 पे तो खत्म हो गया पी ब्लॉक, 10 पे पी ब्लॉक खत्म हो गया, अब हम लोग 2 और जा दें तो एस ब्लॉक होगा, और इसके बाद 10 के बाद 2 एस ब्लॉक में गया 12, और 13 से 18 तक तो पी ब्लॉक में जाएगा, क्योंकि अभी डी तो शुरू हुआ ही नहीं है, इसका मतलब आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, पी ब्लॉक। ऐसे भी सोच सकते हैं, बोगी वाला जो तरीका बताया था मैंने कि भैया 18 अगर पी ब्लॉक का है तो 14 भी पी ब्लॉक का होगा, क्योंकि पी ब्लॉक तो 6 ग्रुप को मिला के होता है, तो 18 है तो 13 से शुरू होगा, तभी ना 18 पे 6 ग्रुप आएगा, तो 14 भी हो जाएगा, 18 24
इनर्ट गैस पे जाइए, 24 के पहले कौन सा इनर्ट गैस है, 18, 2, 10, 18 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो एस में 2 भरेंगे फिर डी अब शुरू हो गया, 21 से डी शुरू होता है, एस में 2 भरेंगे फिर डी में जाएंगे, तो ये डी ब्लॉक का हो गया। बोले भाई 18 में 6 जोड़ने पे 24 होता है, तो हमने क्या किया, एस में 2 जोड़ा और एस में 2 जोड़ने के बाद फिर हम डी में चले गए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, 18, 2, 20 और 24 करना है तो हम लोग डी में चले गए। अगला सवाल 34, जब 36 पी ब्लॉक का है तो सोचना क्या, 34 पी ब्लॉक का होगा, क्योंकि हमें पता है 36 अगर पी ब्लॉक का है तो 31 से लेकर 36 तक पी ब्लॉक पे ही जाता है, तो यह भी पी ब्लॉक का होगा। इसका मतलब यह बड़ा आसान तरीका है, अभी इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में अच्छे से हम प्रैक्टिस कराएंगे। ये जरूर आपको हम बता दें कि जितने भाई लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से करते हैं वहां पर क्या गलतियां हो सकती हैं, कौन सी गलती हो सकती है, क्यों सर बोल रहे हैं कि इसको रोकना है कंट्रोल करना है। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं और आपको आपके काम की बात सिखा देता हूं। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, 57। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 89। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है उन भाइयों के लिए जो करना जानते हैं, जो नहीं करना जानते हो तो मैं सिखाऊंगा आपको। 57 से पहले इनर्ट गैस ढूंढो 54, 57 के जस्ट पहले 54, और 54 होता है जेनॉन, तो जेनॉन ऐसे लिख दिया, 54 पूरा हो गया। 54 देखो, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, पांचवें पीरियड का लास्ट एलिमेंट होता है 54, तो पांचवें पीरियड तक इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन मत लिखो। अब छठवें पीरियड में लिखोगे आप 6s 4f 5d 6p, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये थोड़ा कम सुंदर लग रहा है, इसको सही कर दें, सुंदर लगे, है ना, 6s 4f 5d और 6p होता है। 54 पर जनन खत्म हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे 57 होगा। देखो ये s में 2 गया और f में 1 गया, मतलब बताओ मेरे को लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वही ब्लॉक होता है। आमतौर पे जो लोग कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं ऐसे ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरो अंतिम जिसमें जाएगा वही ब्लॉक होगा। इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, एफ ब्लॉक। लेकिन पीरियोडिक टेबल याद करने वाले मेरे भाई लोग जरा यहां ध्यान से देखना, 54 पे खत्म हुआ, 55 और 56 एस ब्लॉक का है, 57 डी ब्लॉक का एलिमेंट है और 58 से 71 तक एफ ब्लॉक जाता है। 58 से शुरू होता है ये लेंथेनॉइड सीरीज और 71 तक जाता है और फिर 72 से डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन से हमने किया तो क्या आ गया, ए ब्लॉक, और लॉजिक से हमने किया तो क्या आ गया, डी ब्लॉक। सही आंसर डी ब्लॉक है। अब आप मेरे को बताओ, हम लोग अगर ऐसे पढ़ते हैं जो ट्रेडिशनल तरीके हैं तो बार बार हमसे गलतियां होती हैं और हमें लगता है हम इतना मेहनत तो कर रहे हैं, अब क्या मैं जान लगा दूं, इतना पढ़ता हूं दिन रात पढ़ता हूं, मेरा हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम उन तरीके को ऑप्ट कर रहे हैं जो सिलेबस में तो है लेकिन वो पढ़ने का तरीका नहीं है। तो अब बिल्कुल ऐसे ही नवासी के लिए भी देख लो, आप एक बार नहीं ऐसी टेबल के अंदर 20 बार गलतियां होंगी, पूरे केमिस्ट्री में पता नहीं कितनी बार गलतियां होंगी जो अगर लॉजिकल तरीके से आप ना करें, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़े तो गलत हो जाएंगी। आम तौर पे मैं आज विश्वास के साथ क्यों बोला कि आप में ज्यादातर लोग मेरे मित्रों जैसे हैं, क्योंकि आज मैं आपका शिक्षक हूं, कल आप शिक्षक होने वाले हैं, मैं इस विश्वास के साथ इसलिए बोला कि आपके साथ तैयारी करने वाले, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी उसी ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा पढ़ पढ़ के टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, और आप जानते हैं कि क्वेश्चन कितना स्मार्ट तरीके से पूछा जा रहा है। 20 मिनट के अंदर सारे सवाल हमें केमिस्ट्री के कर लेने हैं, इतनी बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाना है, ये बात पीजीटी के कर रहा हूं मैं, और पीजीटी की जब लेक्चर में स्टार्ट करूंगा तो मैं पीजीटी वाले भाइयों के लिए विशेष बात करूंगा। आज हम लोग एक कॉमन बातचीत टीजीटी और पीजीटी को लेके कर रहे हैं, तो 89 पे भी करके देखते, ऐसे तमाम एग्जांपल मिलेंगे भाई। 86 पे खत्म हुआ, इसका 87, इसका 88 है, फ्रांसियम का 87, इसका 88 है, इसका 89 हो गया, इसका 89 हो गया, और 89 के बाद ये 90 से शुरू होता है ब्लॉक और कहां जाता है, 103 तक जाता है। ए ब्लॉक 90 से वाला सीरीज शुरू होता है, एक्टिनॉइड सीरीज, और 103 तक जाता है। बात समझ में आ रही है आपको, लेकिन आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कैसे करोगे, देखो 86 पे रेडॉन खत्म,
एरेडॉन, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं जिनको आता है ये सब, जिनको पता ही नहीं कैसे करते हैं, वो तो हम पढ़ाएंगे लाइन से। आज फर्स्ट डे है, बस आज आपको हम डिस्कशन करने चाह रहे हैं कि आप बाकी लोगों के तुलना में कहां एडवांटेज लेंगे, पढ़ने का ऐसा कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे केमिस्ट्री कम से कम समय में सही करके पूरा का पूरा समय फिजिक्स को दे देंगे ताकि फिजिक्स के सवाल आप ज्यादा से ज्यादा लगा पाए। हमें केमिस्ट्री केवल सही नहीं करना है, हमें केमिस्ट्री का समय बचा के फिजिक्स को देना है ताकि उस साइंस के पेपर में आपका मार्क्स हाईएस्ट हो जाए। तो अब देखिए, एरेडॉन 86 पे छठवां पीरियड खत्म हो गया, 86 पे छठवां पीरियड खत्म हो गया। अब सातवां पीरियड की बात करें तो ये 7s, 5f, 6d और 7p। 86 के बाद दो यहां पे भर दिया, 88, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, 89। बोलिए कौन सा एलिमेंट आ रहा है? ए ब्लॉक। लेकिन होता कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। एफ तो 90 शुरू होता है, मतलब संभल के पढ़ना है, नए तरीके से पढ़ना है, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ना है। और चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, केमिस्ट्री में फुल स्कोर, पूरा का पूरा मार्क्स लाने के लेवल की तैयारी करनी है। यह मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप सीखने के मूड से रेगुलरिटी के साथ मेरे साथ प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जामिनेशन में एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। जितना मैं क्लास में बताऊंगा उन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आप पर्चा उठा लेना पेपर, और पेपर उठा करके आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें कोई ऐसी बात है जो क्लास के दौरान हमने नहीं सीखा है। मतलब अब केवल रेगुलर तरीके से तैयारी करनी है, ट्रायल के नाम पे, इनके उनके वीडियो देखने के नाम पे समय बर्बाद ना करें। बहुत जल्दी ही एग्जाम हम लोग के नोटिस आ जाएगी, सब लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे। उसके पहले हमें लीड लेना है, उसके पहले हमें अपने आप को सिस्टमेटिक करके अपनी क्लासेस शुरू करनी है। तो मैं आप सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से आज के इस एपिसोड 1 क्लास के माध्यम से मैं आप सबको इनवाइट करने आ रहा हूं, आया हूं कि आप सब टारगेट विद आलोका के इस कार्यक्रम में, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में अपनी भागीदारी करते हुए, इस कोर्स को ज्वाइन करते हुए, एक नए तरीके से, एक नए स्टाइल में, एक नई ऊर्जा के साथ आइए अब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। बिना समय गंवाए नए कोर्स के साथ, नए तरीके से जो केमिस्ट्री के पेपर में जो चेंजेज आए हैं टीजीटी और पीजीटी में, उसको दिमाग में रख के कैसे हमें पढ़नी चाहिए उसके हिसाब से अब तैयारी शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर 1 में मैं जो कुछ भी आपको बता पाया हूं उसके आगे मैं एपिसोड 2 में आपसे डिस्कशन करूंगा, और मैं पीजीटी के लिए अब एक स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको देने वाला हूं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।